This is an ABP Life podcast. Hello everyone, welcome to another episode of Bollywood Binge and Beyond. I am your host Niharika Nanda, and once again I'm here with another beloved content creator of ours, or more like a food blogger, jinki of course post dekh dekh ke raat ko 3 baje hum sabko cravings uthti hai. He is the one and the only, yahi hai wo. Rishabh Gemini. Hi Rishabh, welcome to Bollywood Binge and Thank Beyond. Thank you so much for having me. इट इज़ ऑल माई प्लेजर. एंड मैंने भी एक टाइम पर सपना देखा था फूड ब्लॉगर बनने का. कुछ 7,000 फॉलोअर्स भी करे थे फूड ब्लॉगिंग कर करके, पर फिर उसके बाद कोविड आ गया और बस मेरी मोटिवेशन वही खत्म हो गई. कोविड में काफी लोगों ने सोचा था एक्चुअली, मैंने देखा एग्जैक्टली काफी लोगों ने कॉन्टेंट कंज्यूम करा मेनली ट्रैवल एंड फूड का. घर पे बैठे बैठे बाहर जा नहीं सकते थे, exactly. कुछ खा नहीं सकते थे बाहर, तो बैठे 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 उसी टाइम पे काफी लोगों ने पीक पकड़ा और बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेंट कंज्यूम करा मैंने देखा. एग्जैक्टली मेरा उल्टा हुआ, मैंने उससे पहले बहुत करा लेकिन वहां पे आके मेरा ब्रेक हो गया. मैंने कहा यार अब बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो. और वहीं पर मेरी फूड ब्लॉगिंग जर्नी काफी खत्म हो गई. बट इट्स ग्रेट दैट यू कंटिन्यूड. सो सबसे पहले क्वेश्चन हैज टू बी, व्हाट्स अप, क्या चल रहा है आजकल? बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. ट्रैवल चल रहा है, खाना चल रहा है, सबसे बढ़िया बात वो तो चलता रहना चाहिए. और कंटेंट क्रिएट हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब. चलो ग्रेट. ये बताओ कितनी बार ठंडा खाना खाया है? कितनी बार ठंडा खाना खाया है? देखो मैं बताता हूँ आपको, जितनी बार भी हम लोग कहीं पे गए कंटेंट शूट करने, 100% ठंडा ही खाया, क्योंकि लोगों को गर्म दिखाने के चक्कर में हमें ठंडा खाया, ठंडा खाना पड़ता है. एग्जैक्टली. और बहुत कभी कभार ऐसा खाया बिल्कुल, मतलब कि जो रोटी होती है वो ऐसे पापड़ की तरह टूट जाती है ऐसे. अरे तो सारा एक्चुअल उसका फन निकल चुका है बिल्कुल खाने का. वो पब्लिक एंजॉय करती है हमसे ज्यादा. ये है रियलिटी फूड ब्लॉगिंग की. आप लोगों को लगता है ना उनको बहुत फ्री खाना मिलता है, वो फ्री खाना भी हर टाइम ठंडा हो जाता है. क्या क्या करो उसका. तो ये बताओ कि ये फूड ब्लॉगिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई एंड हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया ऑफ गेटिंग इनटू दिस होल. सो बेसिकली आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ मैं, जैसे हर कोई होता है. और वो बीटेक, मेरे को लगता है बीटेक की तरफ तो जाते नहीं है, चले जाते हैं. तो मैंने बीटेक करी हुई है आईपी यूनिवर्सिटी से. अरे मैं भी आईपी. ओके. सो आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर और मुझे तभी समझ आ गया था कि बी टेक करके भाई सब कुछ होगा नहीं, तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा. एंड तब क्या था कि कॉन्टेंट क्रिएशन एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 2017. ओके. तो तब इट वॉज पिकिंग अप बट नॉट दैट मच. ठीक है, लोग कंटेंट कंज्यूम करते थे बट इतनी वाइड ऑडियंस नहीं थी. तब स्टार्ट किया एंड मतलब उस टाइम कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना है. जस्ट उस टाइम क्या होता था, इफ यू नो कि फोटोज लोग इंस्टाग्राम वाज प्योरली अ फोटो प्लेटफॉर्म. एग्जैक्टली. तो लोग फोटोज वगैरह क्लिक करते थे एंड पोस्ट करते थे. तो मैंने भी यही स्टार्ट किया. देन उसके बाद उस टाइम भी थे मतलब 20-30 ब्लॉगर्स थे समथिंग. तो आई वांटेड टू कि थोड़ा गेट इन की कैसे इनवाइट्स वगैरह और वो सब आते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम कॉलेज के टाइम पे क्या है पॉकेट मनी मिलती है बहुत कम से. और अगर हम लोग अभी के हिसाब से देखें वो तो कुछ भी नहीं होती और वो मुश्किल से 2-3 दिन में उड़ जाती थी. एग्जैक्टली. वो स्ट्रीट फूड तक ही सीमित रह जाता था, प्रीटी मच रहती है वो. ठीक है. उसके बाद तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इनवाइट्स वगैरह आने शुरू हुए. एंड I'll tell you about this funny incident. मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था कि इनवाइट्स वगैरह कैसे होता है. तो आई गॉट टू नो फ्रॉम अ पर्सन, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने ये बताया कि जो ये इनवाइट्स होते हैं इसके लिए हमें पे करना पड़ता है. ओके. हमें पे करना पड़ता है, लोग बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, ऐसा होता है. तो मैं एक बार, मैं इट वॉज माई फर्स्ट मीटअप एंड देर इज अ रेस्टोरेंट इन द्वारका, वो क्लोज हो गया वहाँ पे. तो मैं गया उधर और काफ़ी सारे 10-15 लोग थे उधर. एंड फर्स्टली हम लोगों ने खाना वाना खाया, फूड मतलब टेस्ट वगैरह करा सब कुछ. और उस टाइम क्या होते थे, लोग ब्लॉग्स एंड जोमेटो रिव्यूज लिखते थे. राइट. तब लोग पढ़ते थे एक ही चीज़ अगर सब. तो एट द एंड जो वहाँ का पीआर था, जो बंदा मैनेज करता था सब कुछ, उसको बाय बाय बोलने लगा वो सबको. फिर लास्ट में मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है. तो मैंने कहा मैं आपको पेटीएम करूँ या फिर तो वो कहते कि क्यों करना है. मैंने कहा क्योंकि होता है, उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया. तो मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगा उस टाइम पे. बट फिर वही है, धीरे धीरे जर्नी कंटिन्यू करती रही है वो. बस उसके बाद से ही देन कोविड आ गया देन यहाँ पे. राइट. ग्रेट. तो यू आल्सो ट्रैवल्ड अ लॉट. या आई हैव ट्रैवल्ड इन द पास्ट 2 years after mainly after COVID. COVID. Haan, right. I have traveled a lot. Approximately it's been around like 14 cities and wow. 3 international trips recently this year only. Amazing. Yeah. So 2023 has been a pretty good year, touch wood, yes, for you. Yes, yes, it's been great. So how has it been? Like sabse zyada mazedar experience of travel and food kahan ka tha?
देखिए सबसे ज़्यादा अगर पर्टिकुलरली मैं इंडिया की बात करूँ तो क्या है कि बहुत सारी पॉपुलेशन अलग अलग है, सब लोग कल्चर अलग अलग है, उनका खाने का पर्सपेक्टिव देखने का बहुत सब अलग अलग है। तो मेनली मैंने वेस्ट रीजन और अपना नॉर्थ रीजन मेनली कवर किया है। तो उसमें पर्सनली मुझे जो था, अभी रिसेंटली मैं बैंगलोर ट्रैवल किया था। दिल्ली देखो खाने के मामले में मैं तो स्टैंड करूंगा कि मुंबई दिल्ली से बेटर दिल्ली कंपैरिजन को है। यू आर द थर्ड और द फोर्थ पर्सन इन एनी इंटरव्यू जिनसे मैंने बात हुई और उन्होंने सेम बात बोली है कि दिल्ली खाना कोई कंपीट नहीं। मैं देखो एंडलेस कन्वर्सेशन कर सकता हूं इस पे, बट मैं मुंबई भी 3 बार जा चुका हूं। बट स्ट्रीट फूड कंपेयर कर लो या कुछ भी आप कम कर लो, हर किसी का देखो पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, टेस्ट होता है। बट मुंबई वालों को दिल्ली का खाना पसंद आया, दिल्ली वालों को मुंबई का खाना नहीं पसंद आएगा। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बट इट्स ट्रू। एंड प्लस रिसेंटली आई हैव बीन टू बैंगलोर, बैंगलोर इज आल्सो गुड सिटी एंड वहां पे कंपैरेटिवली मुझे खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड कंसिडरिंग स्ट्रीट फूड ये वो, उधर का क्या है कि आप मिक्स ऑफ, मतलब अगर आप कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ की पब्लिक आर ओपन टू एवरीथिंग। अच्छा, ओके। बिल्कुल सब चीजें कंज्यूम करेगी, बीट एनी क्विजीन और आप कुछ भी अगर स्ट्रीट फूड में भी जा रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पे क्या है हर जगह से लोग आते हैं। राइट, वो भी एग्जैक्टली। तो मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी गुजरात एंड राजस्थान स्ट्रीट फूड वगैरह तो हर जगह का अलग अलग अपना एक्सपीरियंस था। राइट, तो कोई एक क्रेजी फूड एक्सपीरियंस, कुछ खाया हुआ और बिल्कुल अच्छा ना लगा हो या कुछ खाया और बहुत अच्छा लगा हो, कुछ ऐसा भी फूड लाइक। अच्छा तो नहीं, क्या है मैंने अभी 2022 से स्टार्ट किया मेनली ट्रैवल करना। तो इंदौर वॉज माई सेकेंड सिटी, ओके। फर्स्ट वॉज आगरा, देन वॉज इंदौर। मैं वहाँ पे गया था कॉन्टेंट वगैरह शूट करने, मेनली स्ट्रीट फूड ही था। तो देर वॉज दिस भेल वाला, वो इंडियाज गॉट टैलेंट में भी आए हैं जो बहुत स्पाइसी भेल बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हर किसी को अपनी स्पाइस टॉलरेंस पता होता है। मेरे को लगा था कि यार हम लोग खा लेते हैं, अच्छा खासा खा लेते हैं, क्योंकि मैं तब राजस्थान से ट्रैवल करके आया था रिसेंटली। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे, अब बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऐसे हैं जिनके आप रील्स वगैरह देखते होंगे ना, बहुत ज्यादा ओवर करके बताते हैं। तो मेरे को लगा ऐसा कुछ इतना खास नहीं होगा, राइट, चल लेगा मामला। तो हम लोग गए वहाँ पे शूट वूट करा, तो उनकी पर्टिकुलर भेल का नाम था 440 वोल्ट। ओके। और उसमें वो उसको डिस्क्राइब करते हैं ऐसे कि हम लोग नॉर्मली नहीं बोलते हम भेल डाल रहे हैं सब चीजें, कि मार्स के अंगूर पता नहीं क्या क्या वो सब ऐसे बोलते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने चटनी टाइप डाली, कह रहे ये शहद है करके, और उन्होंने मुझे बना के दे दी। कह रहे कि मैंने रिएक्शंस वगैरह देखे थे, बट मुझे लगा कि लोग नॉर्मली व्यूज के लिए थोड़ा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, राइट। मैंने वो दो बाइट खाया, मुझे कुछ नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा होने लगा वो तब। फिर उसके बाद मैंने और खाया दो बाइट तब। तो फिर मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं कि ऐसे नहीं आएंगे भाई साहब व्यूज, कम से कम खाओ जब तक आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे वो। मैंने इन टोटल 6-7 चम्मच खा ली। एंड उसके बाद 5 मिनट बाद जो हुआ, मतलब मेरे ये चैनल पे भी डालता मैंने, मतलब हर जगह से कहते ना रोना, धुएं निकल, धुएं आप कह सकते हो, हालत खराब हो गई थी। एंड वो जो बंदा था वो इतना ज्यादा अपने में था कि मेरी यहाँ पे वो हालत खराब हो रही है। मैंने कैमरा वैमरा सब बंद करा दिया। उसके बाद भी मैंने कहा भैया मेरे से नहीं संभल रहा है कुछ भी दो, तो कह रहे कैमरा चालू करो। उन्होंने कहा कैमरा चालू करो, मेरे फ्रेंड ने कैमरा चालू करा। फिर उसके बाद क्या था कि वो उन्होंने मेरे को एक लस्सी, अमूल की लस्सी का वो दिया, पैकेट दिया टेट्रा पैक। उन्होंने कहा कि ये है देखिए, इसका भी उन्होंने कुछ नाम बता रखा था, ये है चढ़ना अमृत ऐसे ऐसे करके। मैंने उनके हाथ से कोसा और मैं पूरा पी गया। और उस टाइम मुझे लगा, मैंने कहा भाई ये क्या है, ये क्या खा लिया, मतलब सब चीजें इतनी जगह खाई है, बट वो इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल पाता। अरे बाप रे। और मेरे को द थिंग इज कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे एक्चुअली गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है वहां से वर्स हो गई शायद, प्रोबेबली वो पॉइंट था जहां से रियलाइज कर लिया कि ये इशू है। और मतलब और भी बहुत सारे हैं, बट हमेशा कभी अगर मेरे से कोई पूछता है सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस तो वो आता है, क्योंकि एक बंदा कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है उसको है कि दूसरे की प्रॉब्लम नहीं, उसको है कैमरा चालू होना चाहिए बस। उसको मैं प्रूफ दिखाऊं कि भाई मैं जो बोलता हूँ सबसे बिल्कुल सच है, बहुत ज्यादा भयंकर भेल है मेरी, बहुत ज्यादा। ओह गॉड, ओके। सो व्हेन यू आर नॉट eating, when you're not shooting, when Rishabh is just in his own environment, in his own you know vibe, so what all do you like to do? देखिए first of all ये ही जो लोग हॉबी कहते हैं, यही मेरी हॉबी थी। मुझे
लोग क्या करते हैं कि अब कंटेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं, वो फिर उसके बाद एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं. इट्स बीन लाइक 7 years नाउ एंड अभी भी अगर ऐसा होता है कि मैं कभी भी कंटेंट शूट करना हूँ, मेरा अच्छा अब मैं मान ली मेरा हॉबी ही यही है. और मेनली अलग अलग जगह सबसे बड़ी बात कि मैं पर्सनली ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट के लिए ट्राई करता हूँ. मैं बहुत अलग अलग चीजें ट्राई करता हूँ. खाने के मामले में मेरे दोस्त मुझसे परेशान रहते हैं क्योंकि क्या है कि पहले हम लोग जो चीजें ट्राई करते हैं स्ट्रीट फूड वगैरह, अब मेरे को ना बहुत नया नया चस्का चढ़ने लगा है अलग अलग चीजें ट्राई करने का. तो उसमें मोस्टली 70% मेरा कट जाता है बट मेरे दोस्त बहुत परेशान रहते हैं मुझसे ऐसे करके. तो मतलब ये क्या क्या ट्राई करता रहता है, क्या क्या खाता रहता है. ट्रैवलिंग और खाना ही मेरा हॉबी भी है और मेरा काम भी है. मतलब वो क्या है कि अगर कभी मैं लो भी होता हूँ अपनी लाइफ में तो मैं बाहर चला जाता हूँ घूमने या फिर कुछ भी ऐसा, तो मेरे को उससे मतलब बहुत खुशी भी मिलती है, चाहे मैं वो रिकॉर्ड ना करूँ पर्सनली अपने लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है. That's nice. So as you said that इस साल में you also took 3 international trips and plus इतनी सारी cities of India भी you already explored. So India का खाना या फिर बाहर का खाना क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए इंडिया के खाने का तो कोई मैच ही नहीं है. मैं बताता हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे क्या है इतनी cultural diversities है. हर आपको अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप थोड़े distance के बात करेंगे तो सब चीजें चेंज हो जाती है. पानी हवा सब कुछ तो वो ट्रू है. मैं इंटरनेशनली भी गया हूँ. इंटरनेशनली आई हैव ट्रैवल टू दुबई, थाईलैंड एंड वियतनाम. ठीक है, सबसे ज्यादा खाने की प्रॉब्लम वियतनाम में हुई. ओके. क्योंकि क्या है कि साउथ एशियन कंट्रीज में मतलब वो लोग बिल्कुल अलग तरीके का ही खाते हैं. मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मुझे पर्सनली ऐसा हो सकता है नहीं पसंद आए, बट उनका तो स्टेबल फूड है ऐसे. राइट राइट. बट इंडिया का खाना ऐसा है कि कोई बाहर के भी अगर लोग रिव्यू कर रहे हैं ना ऐसा, तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है देखा है, तो उनको काफी अच्छा लगता है. बिकॉज यहाँ के क्या है कि स्पाइसेस, उसके बाद यहाँ के खाने में डाइवर्सिटी इतनी है. आपको कहीं पे भी जाएंगे आप इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी. पर आप कोई भी जगह बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में एक खाना आएगा. इंडिया का अगर जब भी नाम लेते हैं लोगों को तो अलग अलग आता है, छोले भटूरे, पाव भाजी एंड दिस एंड ऑल. ओके. एंड बाहर जैसे यू ट्रैवल टू वियतनाम, यू ट्रैवल टू दुबई एंड थाईलैंड, तो फिर वहाँ का एक्सपीरियंस ऑल एंड ऑल कैसा था? लाइक तीनों जगहों में से बेस्ट फूड का एक्सपीरियंस कहाँ था? देखिए बेस्ट फूड तो अनडाउटेडली दुबई था. ओके. वहाँ पे क्या है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने टूरिज्म पे काम कर रहे हैं और उधर क्या है कि ऑल ओवर द ग्लोब से लोग आते हैं. उनको सब चीज़ें कैटर करनी है तो उधर आपको हर वेराइटी का खाना मिलेगा एंड बिल्कुल टॉप नॉच. क्वालिटी क्वान्टिटी सब चीज़ें वहाँ पर टॉप नॉच है. और उधर से बेटर मुझे खाना किसी का नहीं लगा. थाईलैंड इज ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा पास है और इंडियन क्राउड भी है, सब चीजें हैं तो उधर इंडियन ऑप्शंस मिल जाता है. वियतनाम अभी रिसेंटली पिक हुआ, रियल से ही चला है पूरा वियतनाम, पहले कोई नहीं जाता था. तो वहाँ पे मतलब काफी प्रॉब्लम होती है पर्टिकुलरली वेजिटेरियंस. अगर आप नो आई एम नॉन वेजिटेरियन. चलो फिर तो आपका तो फिर भी थोड़ा चल गया, फिर भी थोड़ा चलता है. बट उधर ऐसा है कि अगर वेज हो आप तो दुबई एंड मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पे इफ यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आपको हर चीज मिलेगी बहुत ही बढ़िया. ओके. या दैट इज ग्रेट. सो आपको एक गेम खेलते हैं हम लोग, ठीक है? मैं आपको कुछ जगहों के नाम बोलूंगी एंड यू हैव टू स्टेट वन फूड दैट पीपल मस्ट हैव देयर. ओके. ठीक है, वन फूड आइटम या वन टाइप ऑफ क्यूजीन या कुछ भी, जो भी आपका आपको अपने हिसाब से बताना है. वी ट्रस्ट यू टोटली. ओके. सो व्हाट टू ईट व्हेन यू आर इन मनाली? When you are in Manali, so when you are in Manali, there is a place on this mall road, the Chinese, वहाँ पे authentic Chinese मिलता है. This is this Chinese hub, I think, उस place का नाम है. वहाँ पे authentic Chinese मिलता है बिल्कुल. यहाँ वाला मतलब देसी Chinese नहीं, street food वाला नहीं. Chinese नहीं मिलता, authentic Chinese मिलता है वहाँ के. अब अगर आप मोमोज भी खाओगे तो पहाड़ों की बात क्या है कि वहाँ पे specialty है कि आपको जो कई जगह मोमोज मिलेंगे ना वो बिल्कुल इतने authentic मिलेंगे because मोमोज are meant to be जो covering होती है वो बहुत और जो स्टफिंग वो मैक्सिमम और वहाँ की चटनी मेयोनीज वगैरह ही मिलती है वहाँ पे. प्रॉपर लोग चटनी के साथ खाते हैं, उनको मिर्ची लगती रहती है फिर भी खाते रहते हैं. तो वैसा बहुत बढ़िया है उसका चाइनीज. ओके. व्हाट टू ईट व्हेन यू आर इन अलवर? व्हेन यू आर इन अलवर, मिल्क केक. मिल्क केक एंड कचौड़ी. मैंने प्याज की कचौड़ी मैंने वहाँ पे ट्राई करी है. उनका जो बाबा मिल्क केक उनका नाम है वहाँ पे. तो उनके मिल्क केक लिटरली आप यहाँ पे खाते हैं, इतनी इतनी छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं वो. वहाँ पे मैंने इतना बड़ा मिल्क केक देखा है. अरे बाप, मेरी फोटो भी है उसके साथ, इतना बड़ा है मतलब ऐसे इतने बड़े बड़े. ये तो खाना बनता है. हाँ एग्जैक्टली. ओके. व्हाट टू ईट व्हेन इन बैंगलोर? व्हेन इन बैंगलोर डू ट्राई देयर डोसास. डोसास आर अमेजिंग. मतलब मैं कहता हूँ कि
पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में आपको वैसे डोसाज नहीं मिलेंगे. क्या होता है कि जब साउथ में हम कंसिडर करते हैं तो हम पूरा साउथ को एक ही मान लेते हैं. तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सब अलग अलग है और यहाँ पे आपको खाना भी अलग अलग मिलेगा. बैंगलोर के स्पेसिफिकली डोसा जो है दे आर टॉप नॉच. इफ यू हैव यहाँ पे अगर आपने कर्नाटक कैफे ट्राई करा वहाँ पे वैसे डोसा मिलता है और उनका भी बहुत रिफाइंड और अच्छा वर्जन, बिल्कुल ऑथेंटिक वर्जन. या दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी और मतलब बहुत अच्छा टेस्ट होता है. एंड प्लस वहाँ पे मेरे को सबसे बढ़िया लगता है बार कि वहाँ पे सांभर नहीं खाते, चटनी के साथ खाते हैं. अच्छा, सिर्फ चटनी? हाँ, सिर्फ चटनी के साथ खाते हैं. ओके, दैट्स समथिंग न्यू, मुझे नहीं पता था ये. नहीं, चटनी के साथ खाते हैं. ओके, सो व्हाट टू ईट व्हेन यू आर इन वियतनाम? व्हेन यू आर इन वियतनाम, डू ट्राई देयर बान मी. That is hot dog type होता है वहाँ पे. और अगर कोई भी जा रहा है तो सबसे पहले कि वहाँ की एक तो banh mi, that is hot dog and plus coffee. 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 And specifically the iced coffee that I'm talking about. यहाँ पे कोई इतना नहीं खोलता, cold coffee वगैरह पीते हैं, but वहाँ की iced coffee plus banh mi. मतलब आप वहाँ पे दो तीन दिन तो इस पे रह सकते हैं. अच्छा, I am a coffee fan, तो मैं तो for sure है. Then you should definitely try. चलो किसी दिन मौका मिला तो जरूर जाएंगे, जरूर ट्राई करेंगे. ओके, व्हाट टू ईट व्हेन यू आर इन जिम कॉर्बेट? व्हेन यू आर इन जिम कॉर्बेट, देखिए जिम कॉर्बेट स्पेसिफिकली वहाँ पे स्ट्रीट फूड नहीं है ना कोई रेस्टोरेंट्स है. right. वहाँ पे क्या है कि देयर इज अ लेन, वहाँ पे रिजॉर्ट्स ही रिजॉर्ट्स है, सब कुछ है. तो आई वाज इन जिम कॉर्बेट एंड दिस रिजॉर्ट अहामा रिजॉर्ट है, उनका वहाँ पे बहुत अच्छा किचन भी है, प्लस दे हैव स्पेशलाइज्ड शेफ्स आल्सो. ओके, ठीक है. तो आई ट्राइड देयर बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी. और मैं जितने भी फाइन डाइनिंग प्लेसेस में गया हूँ वहाँ पे, जहाँ पे भी रिजॉर्ट्स वगैरह में गया हूँ, तो दे हैव दिस थिंग कि वहाँ पे बहुत सेफ खाना मिलता है. मतलब इतना अच्छा नहीं मिलेगा वो, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना कि आपको यहाँ का खाना, कौन से होटल का खाना, तो वो कहेंगे होटल का नहीं था, कोई आपको स्पेसिफिकली स्टॉल या फिर शॉप ही बताया. बट उनकी जो बिरयानी थी, मतलब वहाँ पे स्पेशली क्यूरेटेड शेफ थे कि बहुत बहुत अच्छी बिरयानी थी, चिकन बिरयानी स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा. Perfect. Okay, and what to eat when you are in Phuket? So basically, if you are in Phuket, do try the coconut water. वहाँ का जो यहाँ का नारियल पानी है, साउथ का भी है, उधर का नारियल पानी अलग ही है, बहुत मीठा है. हाँ. Okay. तो अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं तो मतलब स्पेसिफिक आपको कॉफी, नारियल पानी, ये सब चीजें. और खाने में अगर आते हैं तो खाने में देखिए लोकल फूड तो मैंने काफी ट्राई करा वहाँ पे, पैनकेक्स और सब कुछ मिलते हैं. बट उधर एक इंडियन रेस्टोरेंट था जिसका नाम था अमृतसर, मैंने वो ट्राई करा था. छोले भटूरे वाज वर्थ 600 रुपीस. ओह माय गॉड, वाओ. बट कंसीडरिंग ऑप्शंस एंड वो सब कुछ, बहुत अच्छा था खाना उसका, चिकन और नॉर्थ इंडियन, क्योंकि वहाँ पे जिन्होंने वो खोला हुआ है वो उधर से काफी टाइम से है और वो पर्टिकुलरली पंजाब से हैं. ओके, तो उनका एकदम ऑथेंटिक टेस्ट अलग. थोड़ा हो सकता है कॉस्ट वाइज थोड़ा ज्यादा पड़े, ऑब्वियसली, बट वन टाइम ट्राई करना पड़ता है. और उतना तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली उतना डिफरेंस सब लेके ही चलते हैं कि इतना तो होगा ही होगा. वो ट्राई करना पड़ता है. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दीज रिकमेंडेशंस. आई एम श्योर कि सबको एंड मुझे भी ये रिकमेंडेशंस फॉर श्योर हेल्प करने वाली है. थैंक यू सो मच. एंड यू सेड वन थिंग, नॉन वेज बिरयानी, तो ये क्वेश्चन तो पूछना बनता है. आई एम अ वेजिटेरियन, यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, क्या वेजिटेरियन बिरयानी एग्जिस्ट करती है और इज इट अ पुलाव? क्या होता है? मेरा इस पे ये ठीक है, मतलब काफी लोग इस पे वो करते रहते हैं, डिसएग्री करते हैं कि नहीं होता, ऐसा नहीं होता. हर किसी का देखिए बनाने का तरीका होता है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिरयानी, तो बिरयानी को बनाने के 10 अलग अलग तरीके हैं. कोई उसे पुलाव बोलता है. अगर आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे कई जगह, तो वहाँ पे आपको नॉन वेज बिरयानी नहीं बोलेंगे, वो पुलाव बोलेंगे. अच्छा, वो बिरयानी को भी पुलाव ही बोलते हैं वहाँ पे. अच्छा, मुझे पहले लगता था कि पुलाव यहीं पे बोलते हैं, हमारे घर में बन जाता था. बट नहीं, अगर आप कजाकिस्तान उधर की साइड जाएंगे तो उधर का अजरबैजान अभी रिसेंटली काफी पिक करी है डेस्टिनेशन उधर, तो उधर का एक है चिकन पुलाव, बहुत फेमस है. हाँ, मुर्गा पुलाव ऐसे करके. तो मैं मानता हूँ कि देखो खाने पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. और पर्सनली एक चीज और बोलना चाहूंगा, पुलाव में इट्स कंपेरेटिवली लाइक मोर ऑफ राइस, मोर ऑफ राइस होता है. बिरयानी इज मोर अबाउट चिकन एंड चिकन, राइट? ठीक है, बाकी यार खाने पे फोकस करो, इतना लड़ाई मत करो. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए खाने में. खा लो, जो पड़ा हो खा लो और जो मजेदार लगे वो खा लो. बिल्कुल. ओके, सो फाइनली टुवर्ड्स द एंड लेट्स प्ले अनदर स्मॉल गेम, एक रैपिड फायर अबाउट योर फूड प्रेफरेंसेस. ओके, ठीक है, एंड आल्सो गेटिंग टू नो यू एज अ फूडी बे. Okay, so let's start this rapid fire. So the first question has to be an ingredient or a food item that is always there in your fridge. Always in my fridge, garlic.
I love garlic. What is your favorite cuisine? My favorite cuisine was North Indian, but उसके ऊपर थोड़ा सा अभी है कि मैं Mediterranean ज़्यादा prefer करता हूँ. मैं कहीं पे भी जाता हूँ, I do eat this hummus, pita, grilled chicken normally. ये मुझे बहुत पसंद है. And Asian also, Asian dumplings are true. Okay, an item that you can eat for your entire life, a food item. For my entire life, Shahi paneer naan and one more pav bhaji. वैसे यू आर नॉन वेजिटेरियन बट आई लाइक दैट बोथ योर आंसर्स आर वेजिटेरियन. नो नो नो, एज अ पनीर लवर मैं मेरे को बहुत वैलिडेशन मिली है. नहीं, नॉनवेज देखिए जो कंज्यूम करता है ना स्टार्टिंग से, मैं पर्सनली नॉनवेज खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बट मैं तीनों टाइम नहीं खा सकता नॉनवेज. इट इज वेरी, डॉक्टर्स भी से इट्स वेरी हैवी ऑन द स्टमक एंड ऑल, राइट. बट मतलब कई चीजें ऐसी हैं जैसे शाही पनीर नान है और पाव भाजी है, वो मैंने एक्चुअली खाया भी हुआ है. मैं जब आई वॉज इन वियतनाम तो वहाँ पे रेडी टू ईट पैकेट लेके गया था, मैं शाही पनीर और पाव भाजी के ही सिर्फ, तो मैंने तीनों टाइम भी वो खाया. And it was the best. It was the best. Okay, a dessert that you absolutely love. Dessert that I absolutely love. Indian mein gulab jamun and in like वैसे cheesecake. Specifically blueberry cheesecake. Same. Although अब मेरा थोड़ा सा preference ज़्यादा towards biscoff cheesecake भी जाने लग गया है. I know. I have tried biscoff also. It is equally, but blueberry से मैंने start किया तो मैं दो बार देना चाहता हूँ. OG. Right. Okay. A food item that you can never eat. मतलब भूखे भी मर रहे हो तब भी वो कभी नहीं खाओगे. तभी भी मैं कभी भी नहीं खाऊंगा. I think it's buff. Buff. Yeah. Especially non-veg में it's buff. Right. Okay. So it was great having you here, Rishabh. Thank you so much. बहुत मजा आया बातें करने में. And I myself am a foodie, तो मेरे को तो और भी ज़्यादा मजा आया ये सब बातें करने में. And of course, we got some great recommendations out of an expert who has tried it all. So फिर उससे better क्या हो सकता है? So thank you so much for coming here. It was totally a pleasure having you. Thank you so much for having me. Okay. Keep listening to Bollywood Binge and Beyond with me, Niharika Nanda, only on ABP Life Podcasts.